Hey guys, assalamu alaikum and welcome back to my new blog, weekend blog guys. आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा new fridge आया है, अभी अभी just deliver हुआ है. आप लोग सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है. बड़ी बात हो जाती है जब आप खुद से कुछ भी खरीदते हो, अपने माँ बाप से दूर रहते हो, अपना खुद काम करते हो, पैसा कमाते हो तो कुछ भी लेते हो. सो ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है. जो लोग रिलेट कर पाएंगे, जो गर्ल्स खुद से कमा के कुछ भी लेती है, सो आई होप मेरे बात से ज़रूर रिलेट करेंगे. मम्मी पापा को दिखाया, वो लोग बहुत खुश है. मेरे पास था पर छोटा साइज और थोड़ा छोटा साइज का था तो ये मैंने ले लिया है. ये एक आदमी के लिए, दो आदमी के लिए एकदम परफेक्ट है. सो यस गाइस, कलर भी बहुत क्यूट है. एंड मेरे सुबह सुबह बच्चे लोगों को भी ब्रेकफास्ट दे दिया है तो ये लोग अपने ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. अब मुझे भी बहुत भूख लगी, अब चलो मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ. तो मैंने आज बनाया है वर्मिसली. तो सुबह ब्रेकफास्ट में मेरा पोहा, वर्मिसली, चीला ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, एक यही सारे चीज़ रहता है. एंड मैंने देखो क्या किया, अभी ये रायता फैला दिया, चाय गिरा दिया यार. तो चलो ब्रेकफास्ट आज भी इंजॉय करते हैं. एंड आज तो वीकेंड है तो कुछ अलग ही खुशी है क्योंकि ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आज मेरा छुट्टी है. मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ. इसके साथ साथ बहुत सारा काम भी रहता है पर कोई बात नहीं. और मैं ब्रेकफास्ट करूँ टॉम बाबू ना आए ऐसा हो नहीं सकता. वो हमेशा मेरे पास आसपास में घूमता रहेगा क्योंकि इस रूम में ना टॉम बाबू का ज़्यादा खिलौना है. तो वो हमेशा जब भी देखता है कि मैं इस रूम में हूँ वो आ जाता है. और टाइसन को इस रूम से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस रूम में बहुत थोड़ा गर्मी है क्योंकि इस रूम में एसी नहीं है. और वो जर्मन शेपर्ड है तो वो हमेशा एसी में ही रहना पसंद करता है, इसलिए वो इस रूम में नहीं आता है. सो यस गाइस, तो आज मेरा वीकेंड बहुत अच्छे से शुरुआत हुआ. आज का तो बहुत सारा प्लान है पर देखते हैं क्या क्या हो पाता है क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम भी है. टाइसन को मुझे ग्रूमिंग के लिए लेके भी जाना है तो उससे पहले मैं जिम आ गई क्योंकि जिम के बिना तो नहीं रह सकती. एवरी डे एनी हाउ 1 से 1.5 घंटा मैं निकलती हूँ अपना वर्कआउट के लिए क्योंकि हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं आ गई हूँ टाइसन को लेके ग्रूमिंग करने के लिए क्योंकि वीकेंड में मेरा काम रहता है. टाइसन को पहले मैं ग्रूमिंग करवा लूँ. सो यस गाइस, टाइसन का ग्रूमिंग हो जाएगा, उसके बाद ही मैं घर जाऊँगी. और शायद आज मैं कहीं बाहर जा पाऊँ सो मैं कल ही जाऊँगी. एंड टाइसन का ग्रूमिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आज उसका रूटीन चेकअप भी है और उसका कान से लेके पाँव का नाखून से लेके एवरीथिंग सब कुछ क्लीन अप कराना है, ग्रूमिंग कराना है. जो लोग पेट पेरेंट्स हैं वो लोग मेरे बात से रिलेट कर पाए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना ज़्यादा टाइम लगता है, काम रहता है. सो ये सारी चीज़ तो करना पड़ता है क्योंकि हमारे बच्चे को हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे कौन रखेगा. सो पेट रखना इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये तो बच्चे हैं. तो चलो आप लोगों से मैं मिलती हूँ बाद में. 2000. हेलो गाइस, कैसे आप लोग एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. तो आज मैं कहाँ बंधन के जा रही हूँ बताती हूँ. रुको जरा, पहले ये बताओ मैं कैसे लग रही हूँ. मैं बहुत टाइम बाद रेडी हुई हूँ क्योंकि बहुत कम ही जाती हूँ, मतलब जाना होता है. सो मैं जा रही हूँ डिनर डेट पे. सो यस, मैं रेडी हो चुकी हूँ. और आप लोगों को पता है मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ क्योंकि मैं एक हफ्ता पूरा एकदम चीट किया है. सो यस, पर ठीक है, ड्रेस तो फिट तो हो ही गया है. सो यस, तो चलो चलते हैं. अब कहाँ जाते हैं, कौन सा कैफ़े जाते हैं, कहाँ डिस्को जाएंगे या फिर कैफ़े जाएंगे या फिर क्लब जाएंगे, व्हाटएवर, कहीं पे भी जाएंगे, आप लोगों को रास्ते में बताते हैं. तो चलो चलते हैं. हे गाइस, तो अभी मैं हूँ पेट्रोल पंप पे. यहाँ पे पेट्रोल डलवाना है, उसके बाद हम लोग जाएंगे कैफ़े. एक्चुअली वो कैफ़े भी है एंड क्लब भी है बोथ. तो चलो दिखाते हैं कौन सा कैफ़े. तो मैं आ गई हूँ रूट, ये कोलकाता का बहुत ही फेमस कैफ़े है एंड क्लब भी है, बोथ है. और वो कैसे है मैं आप लोगों को अंदर जाके पूरा दिखाती हूँ. तो ये रहा है रूफटॉप कैफ़े, ये ऊपर में है. तो ये बहुत ज़्यादा, इसका डेकोर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंटीरियर बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया है एंड आई लाइक इट. मैं सोच रही हूँ कि मैं ऊपर में ही रहूँ पर नीचे भी एक बार जाके देख लेते हैं. तो नीचे का वाइब्स भी बहुत अच्छा है पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ था तो ऊपर ही सही रहेगा. एंड मुझे रूफटॉप ही ज़्यादा पसंद आता है. एंड कोई मुझसे छेड़ रहा था, फ्लड भी कर रहा था, कौन समझ जाओ.
तो चलो मेरा फर्स्ट ड्रिंक आ गया है एंड ये सॉफ्ट ड्रिंक है, ये मैं हमेशा लेती हूँ जब भी कैफ़े जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, एकदम मीठा मीठा सा लगता है। एंड उसके बाद मेरा फेवरेट, इसको मैं कैसे भूल सकती हूँ, कैफ़े आऊँ और हुक्का ना लूँ ऐसा हो नहीं सकता, एक ही तो शौक है मेरा। उसके बाद भूख लगा था तो मैंने डिमसम मंगवाया है और ये चिकन वाला है एंड देखते हैं इसका टेस्ट करके कैसा है। लुक वाइज तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड बहुत अच्छे से इन लोगों ने दिया भी है एंड टेस्टी होगा एंड शायद हेल्दी भी थोड़ा हो। सो देखते हैं खा के कैसा है। मेरा तो वीकेंड में ऐसा ही रहता है कि मैं थोड़ा बहुत खाती हूँ बट उतना ज़्यादा मैं अनहेल्दी भी नहीं खाती हूँ एंड बहुत ज़्यादा यम्मी भी था क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा था। सो मुझे अच्छा लगा, सो आई लव इट। और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरे साथ साथ मेरे दोस्त ने और एक बार ऑर्डर दिया था तो खा लिया है। अब थोड़ा सा इंजॉय भी कर ले क्योंकि दूसरा ऑर्डर आने में भी थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। सो यस, तो मेरा सुशी भी आ गया है, आई लव सुशी। आप लोगों ने मेरे जितना भी वीकेंड वाला ब्लॉग देखा होगा सबको पता है कि मैं सुशी कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर आप लोगों को पता है स्टिक से खाना ना, मतलब कभी कभी खा लेती हूँ पर कभी कभी नहीं होता है तो मैं फोक से ही खा लेती हूँ, क्या ही करूँ। और यहाँ का बाहर का आप देख सकते हैं, ये ना माँ ब्रिज है, कोलकाता के माँ ब्रिज जो कोलकाता से, उन लोगों को तो पता ही होगा, पूरा दिखता है व्यू और बहुत ही अच्छा व्यू है। आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रहे हो या फिर हस्बैंड के साथ या फिर फैमिली के साथ भी आ सकते हो, रूफटॉप में ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। और मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि हफ्ते भर काम करने के बाद आप ऐसा बाहर कभी जाते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है, अच्छा लगता है क्योंकि एक ही लाइफ है, इंजॉय तो करना चाहिए। और आ गया है मेरा चिकन सैलेड। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि बाहर वीकेंड में भी जाओगे तो आप डाइट को हमेशा मेंटेन कर सकते हो, आप हेल्दी खाना खा के भी इंजॉय कर सकते हो। मैंने पिज़्ज़ा बर्गर कभी नहीं खाया बाहर में। तो यस गाइज, मेरा खाना पीना हो गया है एंड अब मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही। म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड था तो मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि म्यूज़िक अगर रहेगा तो कॉपीराइट आ सकता है क्या, आ ही जाएगा, इसलिए मैंने म्यूज़िक को ऑफ कर दिया। पर बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा था, इतना अच्छा वाइब दे रहा था तो बहुत अच्छे से इंजॉय किया, आई लव इट, दिल खुश हो गया। चलो अब घर चलते हैं। चलो मैं घर आ गई हूँ और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वीकेंड मेरा बहुत अच्छे से गुजारा। आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताना, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर, लव यू।